ठीक है, आप मालिक है ना यहाँ के? गर्म नहीं उतार रहे तो भाई उसको प्रॉपर करो ना, ये छाले गर्म उतारेंगे तो काम को बंद कर दे। हाथों में छाले पड़े, इन्फेक्टेड हेड है, आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जरा। ये क्या है? सफाई कर रहा हूँ। हाँ, सफाई कर रहा हूँ। किस चीज की? ये नीचे ऊपर ही चढ़े हुए मैदे के, हमें भी मजबूरन अंदर आना पड़ा है ना। इसी तरह आप मैदे के ऊपर खड़े होके वही मैदा इस्तेमाल भी हो जाता है ऊपर, यही तो रखे ये। हाँ? ये तो भाई उसके ऊपर ही तो आप खड़े हो। आएंगे मेरा कैमरा दिखाए, आप मैदे के ऊपर फिर रहे हो ना सारा, और यही आपने इसी तरह खिला देना। ये झाड़ू इसलिए इस्तेमाल हो रहा था, निकालेंगी झाड़ू बार निकालें। कितना अहमद और कितना बुद्धू बनाओगे आम आदमी को यार। हाँ, कमीजें उतार के पसीने के साथ आप इस मैदे के अंदर बंदर बनेंगे, ऐसा ही है ना। और ऊपर खड़े हो मैदे की जगह जगह पे और कह रहे हो मैं टाट पे खड़ा हूं, ऐसा ही कह रहा हूं। ये बताया गया ये घूमती कैसे हो? आओ आगे हो, आगे हो, परेशान नहीं हो, परेशान होने की बात पहले थी। ये कैसे घूमते हो? उधर मशीन लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पे क्या काम होता है? ये टिक्की होती है, ये होती है। आपके हाथों पे कुछ ग्लव्स हैं? दुस्ताने हैं? ग्लव्स इधर इस्तेमाल। हाथ दिखाओ। आए जी, मेरा कैमरा दिखाई तो इस शख्स के हाथों में भी किस तरह से छाले पड़े हैं, ये देखें छाले किस तरह से। इस शख्स ये इधर नहीं सकता। आओ जी, आज ये कैमरा ट्रिप लाए, हाथ में जख्म भी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो है, लेकिन ये छाले भाई नहीं कानून के मुताबिक कर सकता। जिस बंदे के हाथ में कोई इन्फेक्शन है, कोई जख्म है, वो नहीं कर सकता। आपके मेडिकल जमा होने में पंजाब फूड अथॉरिटी को, ये मेडिकल है, मेडिकल उसके बावजूद आप कर रहे हो इन हालात में। मेडिकल करवा के ये छाले छाले जब हुए उसके बाद इतला दी गई या इसको ठीक करने की कोशिश की गई? ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, अंदर मैदे में खड़ा होकर चीजें बनाते। नहीं नहीं, जब फर्क। वेरी गुड जी। असल प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा ये होता है कि जिस वक्त कोई बड़ा चोर चोरी करता है तो हम बहुत मेहनत के साथ इन चोरों पर गिरफ्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें आम आदमी चोर के चेहरे में नजर आता है, हमें आम आदमी घटिया और मकरू धंधा करता हुआ नजर आता है, तो हमारे लिए उस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये होती है कि जिसके लिए कोशिश करने, मेहनत करने, जहद करने निकले थे वो खुद चोर बन के बैठा हुआ है। और ये तमाम लोग वही हैं जिनके लिए हम निकलते हैं और ये लोग खुद यहाँ पर चोरी कर रहे हैं। क्या बन रहा है जी? ये क्या ड्यूटी क्या है? ये रोटी बना, रोटी बनानी है उसकी। हाथ दिखा दो। हाथों के हालात आप देखें और कहा जाता है कि भाई हम बहुत काम करें, हम ठीक काम करें, ये ठीक है? अपने बच्चे को अपने हाथ में से पास या रेशा निकाल के खिला सकते हैं? नहीं। कभी खिलाया है? नहीं। कभी ऐसी कोशिश की है? नहीं। तो भाई बाकियों के बच्चों के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? कितनी दाढ़ी मिलती है आपको? कोई पता नहीं। हाँ, दाढ़ी का नहीं पता कितनी मिलती है? भाई को पता है। आप दाढ़ी नहीं लेते? भाई को पता ना। आपको मजदूरी नहीं मिलती आपकी? मिलती है। तो कितनी लेते हो भाई, ये पूछ रहा हूँ। बड़े भाई को पता ना, उसने मुकाई है। आपकी मजदूरी आपका बड़ा भाई देता है? क्या चोर डकैत थे जिसको पकड़ के यहाँ पे लाके भर्ती करवाया गया कि उसको अपनी मजदूरी भी नहीं पता? हैरान कौन बात है जी, बताएं। आपको अपनी मजदूरी नहीं पता? असल डर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये साहब, ये लोग बेचारे गूंगे बहरे लोग होते हैं और हम इन्हीं की आवाज है। टीम लाहौर पूछता है, आम आदमी की आवाज है। इनका प्रॉब्लम यह है कि इनके जो अभी सेठ साहब यहाँ फिर रहे थे, जो अपने तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे अभी पता चला है कि वो कुछ बंदे भी इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम लाहौर पूछता है यहीं पर मौजूद है। हम इंशाल्लाह अजीज इनके तमाम गंदे और मकरू चेहरे देखने के बाद यहां से जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक और बहुत वाजे है कि आम आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम हर नुकसान उठाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। मजे की चीज जी, समोसा पट्टी में इस्तेमाल होने वाला घी किस क्वालिटी का है? आओ जी आगे आओ, ये क्या क्वालिटी है? सर इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। आओ ना आगे आओ भाई, ये क्या क्वालिटी है? इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। सीधा करो,
यहाँ पर आने के बाद आधे बंदर तो हम भी बन रहे हैं, लेकिन मकसद चूंकि बहुत नेक और मुकद्दस है, इस वजह से हमें कोई परेशानी नहीं है। ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोफेशन का हिस्सा हैं, एक्सपायरी तक मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमेशा से शहबाज शरीफ साहब अब तो अपने मनसब से भी ऑलमोस्ट टाटा बाय बाय काम हो चुका हुआ है। इलेक्शन आएगा, दोबारा से हुकूमतें बनेंगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स, मैंने पहले भी ये बताता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट्स चूंकि अपनी मुकम्मल सेहत के साथ मौजूद हैं और अरबों रुपया लग चुका है पंजाब फूड अथॉरिटी का। नूर अमीन मेंगल साहब पंजाब फूड अथॉरिटी के सरपरस्त हैं, तमाम मामलात को देखते हैं। तो मेंगल साहब, ये है समोसा पट्टी, आप भी खाते होंगे, आपके बच्चे भी रोल बहुत शौक से खाते होंगे, मुझे इस चीज का यकीन है, क्योंकि आप हम में से हैं, हम आप में से, हम एक ही जैसे लोग हैं। तो लिहाजा डरे उस वक्त से कि ये चीजें आपके बच्चों के पेट में जा रही हैं। मिंगल साहब, हमारी कोशिश यही है कि शायद आपको समझ आ जाए। एक और साहब यहाँ पर आए हैं सामने, क्या नाम है सर आपका? सैयद महमूद अख्तर नन्ना मेरा नाम है। सैयद महमूद अख्तर नन्ना साहब, सर कैसे हैं? क्या जिम्मेदारी है? मालिक है? नहीं बेटा, मैं तो आपका सुन के आया। अच्छा, आप बाहर से हमारा सुन के अंदर? जी बेटा। आपके इस यूनिट से कोई ना बेटा? पक्की बात है? मैं यहाँ का चेयरमैन रहूँ, आप मुझे जानते हैं। अब बात ज्यादा बेहतर होगी जी, आप चेयरमैन रहे हैं। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ। महमूद साहब, क्या मेयार है जो पंजाब फूड अथॉरिटी के सपुर्द किया गया था कि अगर एक बंदे के हाथ में पस पड़ी हुई है तो क्या वो खाने की चीज तैयार कर सकता है उन्हीं हाथों के साथ? नहीं। अगर हो रहा हो तो गलत है? ठीक है, गलत है। अगर सब स्टैंडर्ड चीजें, एक्सपायरी जिनके ऊपर मेंशन नहीं है, वो चीजें यहाँ पर तैयार हो रही हो तो गलत है? ठीक है बेटा, दिखाएं कौन सी मौजूद है? मैं सर आपको दिखाता हूँ, आइए। ये जी चेयरमैन साहब आए, सबका चेयरमैन साहब, और ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट में आए, ये हमारी मोहब्बत में नहीं आए। कहाँ गया भाई ये वाला भाई? हाथ दिखाओ, ये वाला भाई कहाँ गया जिसके हाथों पर? हाथों में जख्म भी है। कानून ये है कि कोई शख्स जिसका मेडिकल अप्रूव्ड नहीं है वो नहीं खुराक की चीजें बना सकते, नहीं बना सकते। हम इनके रिज़्क रोजगार के दुश्मन नहीं है, लेकिन इनकी वजह से इनके पसीने आप देख रहे हैं, इन्हीं चीजों में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर आप जितने बंदे मुझे कहेंगे मैं उतने बंदे आपको दिखाता हूँ। एक बंदा इस भट्टी पे खड़ा था, आए जी आगे चलते हैं। बेटा इधर हाथ दिखा, यार कोई शर्म होती है, छोड़ दें छोड़ दें सर। गलत, गलत है ना? गलत। अब मुझे ये बात बताएं कि हम क्या बाकी, अब अभी आपको लग रहा है कि हम आम आदमी के लिए नहीं आए? क्या है ये, निकाल के खा सकते हो, अपने बच्चों को खिला सकते हो?